सारे भाइयों को नमस्कार। छोटे और बड़े जो अपने सीनियर खिलाड़ी हैं और जो भी इस पेज, सभी भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार। और मैं आशा करता हूँ कि मेरे सारे भाई इस जो अपने देश बीमारी फैली हुई है उससे बचे हुए होंगे। भाई जीते, बिल्कुल बढ़िया। आप सुनाओ, कैसे हो? मोहित भाई, राम राम। बिल्कुल बढ़िया। अंकित भाई, बिल्कुल बढ़िया। राम राम भाई। और गेम कैसा चल रहा है भाई? और भाई, पहले तो मैं अपने बड़े भाई विजेंद्र फोगाट से सॉरी चाहता हूँ, क्योंकि कल मैं उनका लाइव प्रोग्राम नहीं देख पाया, किसी कारणवश कहीं ड्यूटी पे बिजी था। इसके लिए मैं उनसे फिर से एक बार सॉरी मांगता हूँ। भाई, जो मैं पिछले 5-7 दिन से देख रहा हूँ कि जो अपना ये लाइव जो प्रोग्राम चले हैं, इससे पेज भी चला था, आप अपने भाई अंकित जी ने जो अपना फोगाट हीरोज क्लब के नाम से जो पेज बनाया उस पर चलाया है। मैं मानता हूँ कि ये इस खेल को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही अच्छा प्रयास है, और हम चाहते हैं कि ऐसे प्रोग्राम जो हमारे खिलाड़ी हैं, हम तो एक छोटे से खिलाड़ी हैं, लेकिन जो और बड़े सीनियर खिलाड़ी हैं वे भी डेली ऐसे ही आते रहे, और हमारे छोटे भाइयों को और बड़े भाई जो भी हैं इस गेम को आगे बढ़ाने के लिए बात करते रहें। दित्य भाई, क्या करें, कोरोना से बचने के लिए इफेक्ट तो चाहिए ही। बढ़िया भाई विपिन, और ये हमारे जो विपिन चहल हैं, अपने भारतीय जो इंटरनेशनल टीम के कैप्टन हैं, भारतीय टीम के कैप्टन है, और ये अपने नेपाल में इंटरनेशनल खेलने के लिए गए थे। मेरे ख्याल हिसाब से जो अपना अब तक के जो शूटिंग बॉल का भी सुना है मैंने, और जो ड्रॉप डायरेक्ट जो वॉलीबॉल है, जो विपिन भाई इसके सेक्रेटरी भी हैं, तो वो टीम गई थी, और मेरे हिसाब से शायद अपने इंडिया से इंटरनेशनल लेवल पे सिर्फ एक डायरेक्ट वॉलीबॉल की ही टीम वहाँ पे खेलने गई है। इससे पहले शूटिंग बॉल की टीम भी कहीं बाहर खेल लेने की थी। एक मेरे पहले वीडियो आई थी, उसने बताया था कि हम भी नहीं गए थे शूटिंग बॉल के ने। भाई गेम में अभी कोरोना की वजह से क्लोज हो रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे अब इससे बीमारी से निपटना भी ज़रूरी है, गेम तो फिर से स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल मस्त भाई। रोहित भाई नमस्कार। गोविंद भाई जी नमस्ते। राम राम भाई। और मैंने 2-3 दिन से जैसे अपने जो भी भाई लाइव आए हैं उसने देखा, चाहे उसको आप मेरे मान लो या ये मान लो कि सापला की टीम से थोड़ा लगाव ज़्यादा है, मैंने दो टीमों का नाम यहाँ पे बिल्कुल नहीं सुना जो काफ़ी 5-7 से 6-7 साल पहले बहुत ही अच्छी टीमें होती थी। एक जैसे हमारे गुड्डू भाई थे सावदा से, सचिन जोनी, उस साइड के बारे में कोई जिक्र नहीं करता, और जो सापला की टीम थी जो बहुत ही अच्छी, मानो ये दोनों टीमों की ही मोस्टली जो टूर्नामेंट होते थे इन दोनों टीमों की ही फाइट देखने को मिलती थी। अंकित भाई, सापला की टीम के साथ लगभग 8 या 10 साल खेला हूँ मैं, और अब भी सापला की टीम से ही जब भी मौका मिलता है, अपने भाई जब भी वो टाइम होता है खेलने के लिए जाते हैं। अब फिलहाल मैं चंडीगढ़ की टीम की तरफ से खेलता हूँ, क्योंकि चंडीगढ़ में ही रहता हूँ, और अब हमने एक चीज़ देखा कि मतलब अपने तरफ बहुत अच्छे टूर्नामेंट जैसे भी स्टार्ट हो रहे हैं, उसको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। पहले की तरह नहीं है कि एक कोई भी टीम जैसे है वो पॉलिटिक्स उसमें ज़्यादा चलती थी। अमित, राम राम भाई। तो मैं यही चीज़ सोच रहा था कि जैसे कि पहले अपने जो जो अपना NCR एरिया में थे उसमें से 10-12 ऐसी टीमें थी जिनको हम मैच देखने के लिए देखने में भी अलग मज़ा आता, लेकिन उनके बारे में कोई नहीं बातें करता था। विजेंद्र भाई, राम राम। कल के लिए आपसे माफ़ी चाहते हैं कि आपके लाइव प्रोग्राम को नहीं देख पाए। नमस्कार भाई विजेंद्र जी, फोगाट जी, और अपना जो फोगाट बड़े भाई है हमारे इस गेम में, ये मान के चलो कि हमारे सीनियर भी हैं, हमारे कोच भी हैं, बड़े भाई भी हैं। इनके ग्राउंड को हम अपने जैसे क्रिकेट में ईडन गार्डन है, वैसे ही इसको हम ईडन गार्डन ही मानते हैं। प्रेम भाई जी नमस्कार। हमारी तरफ से जैसे इंट्री की टीम भी बहुत अच्छी है इसमें, थर्ड बॉल एंड में
पथरेडी की टीम अच्छी है, लेकिन इंद्री की टीम का भी बहुत कम नाम सुनने को आया मेरे को। भाई आप बड़े भाई हो, आप तो बोलोगे ये, लेकिन जो इससे पहले जो और लाइव आए थे उन्होंने किसी ने भी ये जिक्र नहीं किया कि सावदा की टीम ये थी। मैं ये कहता हूँ कि आज से 8-10 साल पहले जितने भी जो हमारे प्रेमी थे, खेल प्रेमी थे, वो खेल देखने के लिए किस लिए जाते थे कि सावदा की टीम में तीन भाई आते हैं भाई, तीनों ही ज़बरदस्त बॉल लगाते हैं, उस चीज़ को देखने के लिए हम जाते थे। जय श्री राम। रमेश भाई जी, शर्मा जी नमस्कार। उस जैसे कि 8-10 साल पहले जो भी टीमें थी, बहादुरगढ़ की भी टीम अच्छी थी, सावदा हो गई, गोपालपुर हो गई जो अपने आखरकोदा के पास है, सोनीपत पुलिस लाइन से नारी की टीम थी जिसमें उन्नी भाई खेलते थे अपने, रामपुर कुंडल की टीम थी, सभी बहुत अच्छी टीमें थी। लेकिन वही है कि जो नए प्लेयर जुड़े हैं उनको तो नहीं पता, लेकिन मैं अपने सीनियर भाइयों से माफ़ी चाहता हूँ कि वो पेज से जुड़े और उन्होंने इस चीज़ के बारे में कोई नाम नहीं लिया इन टीमों का। जैसे जीता भाई बालोट की टीम भी पहले बहुत अच्छी थी, रोहतक से संदीप हुड्डा की थी, और ड्रॉपिंग में हमारे पास जो अपना गड्डी कुंडल है वहाँ से भगते भाई जो अपने हैं बड़े भाई हैं, भोला हो गया, ये भी प्लेयर बहुत अच्छे रहे अपने टाइम के। ये मानो कि ड्रॉपिंग वाली बॉल में तो उन्होंने बहुत वो किया है। अपने सुनील भाई हो गए जनकपुरी से, रुपेश सिंह सुरेशी हो गए। भाई रमेश जी आजकल मैंने पंजाब में खेलना शुरू कर दिया। मेरा यादगार टूर्नामेंट मेरे हिसाब से भाई एक तो रानीखेड़ा का था, मैं अपने गांव की टीम में खेल रहा था, वहाँ पे हमें सब ये कह रहे थे कि जैसे हमारे टिकरी के भाई थे संजय, उन्होंने कहा था कि भाई इनका तुक्का लग रहा है। उस टूर्नामेंट में हमने जितनी भी वहाँ पे बढ़िया अच्छी अच्छी टीमें थी उन सभी को हरा कर उस टूर्नामेंट में फर्स्ट प्राइज पोजीशन हमें प्राप्त की थी। और एक सबसे यादगार टूर्नामेंट जो मेरा अंकित भाई था, देवधर का टूर्नामेंट था, वहाँ पे हमारे जो मोस्टली जो सभी टीमें होती हैं ऑल ओवर इंडिया की, वहाँ पे टीमें आई हुई थी, उसमें हमें बहुत ही अच्छा लगा। और एक जो सबसे अच्छा टूर्नामेंट था हमारे कमल भाई के गांव में हुआ था भाई, पंजाब में टूर्नामेंट, यह कहते कि बहुत ही अच्छा जो है वहाँ पे उनका रूल रेगुलेशन जो बना रखे हैं, जो टाइमिंग है अब तो। लेकिन मैं उनके बारे में भी बोलना चाहूँगा कि अब जो जैसे ही अब मैंने पिछले 2-3 टूर्नामेंट वहाँ खेले थे, वहाँ पे टाइमिंग उनकी भी थोड़ी हमारी तरह ही ख़राब होती जा रही है। राहुल प्रधान, राम राम भाई, सीनू भाई, चिराग दिल्ली वकील साहब नमस्कार, नीरज भाई नमस्कार। तो देवधर जो टूर्नामेंट के बारे में मैं बता रहा था, देवधर में टूर्नामेंट में हम गए थे वहाँ पे खेलने के लिए, हमारी जो गुड्डू भाई सावदा की टीम थी उसमें अपने सीनू और ये अपने भाई जो है नीरज हैं ये भी गए हुए थे वहाँ पे। मतलब मोस्टली जो है शूटिंग वॉलीबॉल से मित्तल थे अपने, जो ये थे मनोज सेतली से गया हुआ था हमारे यहाँ से, भुंडू सापला से, और करनाल से राजेश अपने सेट में गया हुआ था, और जो अपना टीम है क्या नाम है यमुनानगर की टीम तो वहाँ होती। और उसके बाद भाई वहाँ पे हमने जैसे जो टीम मैच देखा वहाँ पे बहुत ही अच्छा खेलने को लगा। उसमें एक टूर्नामेंट का मेरा यादगार पल है, एक जो वहाँ पे हमारे बुजुर्ग थे जो वहाँ पे खेल प्रेमी थे, उन्होंने भुंडू के पास आके भुंडू के कंधे पे हाथ के रख के बोला, नन्ना वहाँ पे सामने खड़ा था, बोला भाई नन्ने आप कहते हो कि मैंने दिल्ली में ये फतेह कर दिया वो फतेह कर दिया, बोला ये 5 फीट का लड़का है, इसने यहाँ पे पूरे जितनी भी टीम आई थी सभी के ऊपर से ऐसे कर दिया कि ये इससे मैं इससे बेस्ट प्लेयर मानता ही नहीं हूँ। फिर नन्ने भाई ने ये कहा था कि आज के टाइम में भुंडू जो है अपने सापला से है वो अपने पूरे इंडिया के अंदर ही क्या कहें, हम तो पूरे वर्ल्ड के अंदर ही कह सकते हैं कि बेस्ट स्कोरर जो है उसको हम मानते हैं। भाई रमेश मीडियम तो हमें बहुत कम ही खेलते हैं, हम तो ड्रू वो कैची वॉली वॉली खेलते हैं। नीरज भाई राम राम, बढ़िया भाई जी। हाँ भाई मोहित जिक्र तो होता ही है, लेकिन जो मैं अपना नहीं कह रहा, लेकिन जो हमारी ये जो टीमें हैं हम उनका जिक्र चाहते हैं, नहीं हम पर्सनली किसी का नाम नहीं चाहते, लेकिन जो हमारी जो बेस्ट टीमें रही हैं उनके बारे में कहते हैं हम। जैसे कि अब फिलहाल चिराग दिल्ली की टीम है, पथरेडी की टीम है,
और जो अपनी ये टीमें हैं, अपने जो गुड़गांव से पथरेडी की टीम होगी, बहुत अच्छी टीम है आज के टाइम में जो अंडर हैंड की टीम हम देखते हैं। और वो भी भाई जो उनके कोच, जिसके कोच वो भी भाई हो जाए, वो टीम तो ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है। और अपने जो विपिन भाई हैं इंडियन कैप्टन, उनके बारे में तो क्या कहना, आज के टाइम में मैं आज के क्या हम पहले भी और आज भी हम उसको एक बेस्ट जो है शूटिंग अंडर हैंड की, मीडियम की और कैची की, दोनों तीनों की हैं हम उसको बेस्ट साइड मानते हैं। विक्की भाई नमस्कार, धन्यवाद भाई विक्की जी। ये लॉकडाउन ने लोग बना दिया भाई, किसी के पास जाने से डर लगता है कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए। और जो हमारे विजेंद्र भाई जी के वहाँ पे टूर्नामेंट होता है, उस टूर्नामेंट के लिए हम चाहे कहीं भी हों लेकिन उस टूर्नामेंट में ज़रूर आते हैं, क्योंकि हम उसको अपना होम ग्राउंड मानते हैं। भाई विजेंद्र, नीरज के बारे में क्या कहे, ये तो अपने आप ही दिखती जागती मिसाइल है। ये एक ऐसे प्लेयर हैं, परेशानी नहीं है उस साइड में। विक्की भाई राम राम। बहुत से ऐसे टूर्नामेंट हमने देखे हैं निट्टू के साथ, जो इनके मैच हुए हैं चिराग दिल्ली की टीम के, जो जयपुर के साथ हुए हैं या अपने राजेश करनाल के साथ हुए हैं, कि नीरज ने वहाँ पे ऐसा गेम दिखाया कि मैं मानता हूँ कि उसी की वजह से ही वो टीम, नीरज और निटा, जो दोनों का गेम था उस मैच में, दो तीन मैच हमने देखे हैं, बहुत ही बेहतरीन गेम था, कि जिसकी वजह से और चिराग दिल्ली की टीम को उठाने में मेरे हिसाब से निटा, नीरज, सिन्नू और जो अपने नरेश भाई हैं और गौरव, जैसे इनमें नेट आया या नीना आया था इससे पहले इनका और नेट था, बहुत ही अच्छा टकला खेलता था, उस टीम को उठाने में इन प्लेयरों का बहुत ही महत्वपूर्ण तो योगदान है। भाई रमेश जी, इस खेल में अब पॉलिटिक्स ज़्यादा हो गई है इसमें, मतलब जैसे कहीं भी जाते हैं, जैसे आपकी आपकी जहाँ चलती है वहाँ पे जाके आप अपने अपने रूल बना लेते हो, जहाँ पे जिसकी चलती है वैसे रूल बना लेते हैं। इसमें जैसे कुछ हमारे यहाँ की भी टीमें हैं, नाम नहीं लेना चाहता मैं पर्सनली किसी का, लेकिन उन्हीं के जो कारण हैं कि भाई वे कुछ भी ऐसे, जैसे हमने सोचा भाई डिस्ट्रिक्ट में हम अच्छे हैं तो हमने डिस्ट्रिक्ट के टूर्नामेंट करवाने शुरू कर दिए, हम स्टेट में अच्छे स्टेट के करवाने शुरू कर दिए, जैसे एक बार हम वहाँ पे जालौर में खेलने गए थे वहाँ पे भी आपने स्टेट का टूर्नामेंट करवाया था, मुझे याद है, अच्छा बहुत अच्छे ढंग से, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये जो पॉलिटिक्स चली है इसने इस खेल को बिगाड़ दिया है। सीनू भाई चिराग दिल्ली जो हमारे हैं, एक समय में तो देखो उस टाइम पे सीख रहे थे, लेकिन आज मैं मानता हूँ कि भुंडू और जोनी जो उस टाइम पे स्कोरर होते थे हमारे यहाँ पे जो NCR के अंदर, उसके बाद राजेश हो गए, निट्टू हो गए, इनके अंदर जैसे ऐसे अच्छे अच्छे प्लेयरों के अंदर आ गए, जैसे दिनेश भाई हो गए अपने जयपुर से और अपने संजय भाई हो गए, इनके बीच में आकर अपना एक अलग रुतबा बनाना, ये मानो कि कुछ ना कुछ क्वालिटी तो है ही बंदे में। भाई सीनू, मैं आज आपको रियलिटी बता देता हूँ, हम अपने रियल गेम को छोड़ के हम ऐसे गेम में आ गए जो आज के टाइम समय की मांग है, इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि ड्रॉपिंग बॉल, ड्रॉपिंग बॉल तो ऐसा गेम था कि उसमें खेलने का अपना अलग ही मज़ा था, लेकिन ये भी समय की मांग है भाई। जैसे हमारे कुछ जैसे अपने आसपास के एरिया थे ड्रॉपिंग में वही थी, जैसे जैसे यमुनानगर की टीम आई उसने मोस्टली जो हमारे NCR की जो भी टीमें थी, दिल्ली की टीम थी, जो अपने पास की जो 15-20 अच्छी अच्छी टीमें होती थी, जो अपने गांव के सेट होते थे या अपने एरिया से एक दो प्लेयर इकट्ठा करके जो सेट बनते थे, उन सभी को मोस्टली को फिनिश कर दिया था। लेकिन यमुनानगर की टीम के बारे में मैं एक बात बोलना चाहूँगा, वो जब तक जीतती रही तब तक आती रही, लेकिन जिस वक्त उसने हारना शुरू किया उसने आना बंद कर दिया। इसमें चाहे हमारे बहुत ही अच्छे प्लेयर थे, नन्ना भाई थे, लेकिन मैं उनमें ये जो यमुनानगर की टीम की जो क्वालिटी थी मैं उसको जीरो मानता हूँ, क्योंकि हर टाइम इस गेम में हम जीत नहीं सकते, इसमें हारना भी पड़ता है, और उस टीम को हराने में सबसे बड़ा योगदान था, सबसे पहले मेरे को याद है आज भी मैच है, सावदा की टीम ने उनको यहाँ खांडा टूर्नामेंट में हराया था, उसके बाद भंडारी ने हराया था सावदा टूर्नामेंट में, उसके बाद उसको कंटिन्यू जो हराने वाली टीम थी चिराग दिल्ली की टीम थी, और उसी वजह से जो उनको कंटिन्यू हार मिली थी, इसी वजह से यमुनानगर की टीम यहाँ आने में
हिचक कुछ भी लगा लो कि हिचकती थी या उनका सेट टूट गया था, कुछ भी हो, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब तक रहो और जब हारना शुरू हो जाए उस टूर्नामेंट जाना छोड़ दो या आप अपने एरिया में ही खेलना शुरू कर दो, ये चीज़ मेरे को पसंद नहीं है। मैं उन भाइयों से कहता हूँ गेम है जो हमारा, इसमें हार और जीत चलती रहती है। जैसे कि सापला की टीम है, आप सभी को पता है कि एक टाइम में सापला की टीम ऐसी टीम थी कि उसने मोस्टली जो है, अब तो कह देते हैं कि सापला की टीम ऐसी ऐसी है, चाहे मैं उसमें खेला भी हूँ, नीरज भाई, जीनू भाई, अपने विजेंद्र बड़े भाई भी बता सकते हैं कि सापला की टीम ने इतने टूर्नामेंट जीते होंगे कि शायद ही कोई टीम उससे टूर्नामेंट जीतने की तो छोड़ो, उनके बारे में सोच भी नहीं पाएगी मैं इतने टूर्नामेंट जीत सकती हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई टीम ऐसे जीते, लेकिन उस टीम का उस टाइम पे गेम में क्वालिटी थी, ड्रॉपिंग बॉल में उनके अंदर क्वालिटी थी। उसके बाद जैसे गड्डी कुंडल थी उससे पहले, उसके बाद सापला की स्टार्ट हुई, उसके बाद कुछ साल के लिए हमारे जो हमारी याद में है सावदा की टीम आई, सावदा की टीम ने बहुत ही अच्छा जो हमें गेम दिखाया, जो मोस्टली जो वहाँ पे दर्शक आते थे वो ये कहते थे कि हाँ भाई सावदा की टीम आई है, सावदा की टीम में भी तीन भाई आए हैं भाई, ये बोलते थे भाई वे आए हो तो ठीक है, नहीं तो हम जा रहे हैं। सावदा की टीम एक ऐसी टीम रही है, उसने कभी ये नहीं देखा कि मेरे को फर्स्ट पोजीशन चाहिए या चाहिए, उन्होंने अपने गेम को इंटरटेनमेंट किया है और लोगों का इंजॉय करवाया है। नीने बार के अंकित भाई, नीना के बारे में क्या बताएं, आज के टाइम में बेस्ट नेट है वो भाई। नीना तो देखो, मैं उसको जिस समय से उसने खेलना शुरू किया तब से मैं उसको देख रहा हूँ, ये नहीं कहता कि मैं पर्सनली कह रहा हूँ, जाट माजरा से वो भाई अब सोनीपत रहता है, लेकिन उसके गेम का आज के टाइम में नेट के ऊपर देखे, जैसे हमारे यहाँ सापला से टकला भाई हुआ, गौरव हो गए दिल्ली से, और भी नेट हुए सेंडो से, जैसे पहले से सुनील भाई के जो अपने नेट थे वे सभी थे, लेकिन आज के टाइम में जो प्रैक्टिस के हिसाब से बोलता है, एक तो पथरेडी का नेट है और एक जो हमारा इसका नेट है सोनीपत से या जाट माजरा से कहूँ या सोनीपत से कहूँ, अपना छोटा भाई नीना है, बेस्ट नेट है। और फिलहाल जो नेट उभर कर आ रहा है अभी जो अपने भालोट गांव से है, वो छोटा बच्चा है, मेरे को नाम तो पता नहीं शायद उसका नाम क्या, लेकिन बहुत ही बेहतरीन गेम है उसका। और जो अपना अब नजफगढ़ से भी अब छोटे छोटे बच्चे देखने को आ रहे हैं कि वो अपनी पढ़ाई से अलग निकल के इस गेम के अंदर घुस रहे हैं, तो उस बहुत ही मेरे को अच्छा लगता है कि ऐसे छोटे छोटे बच्चे इतना बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। भाई विजेंद्र अपना जो नीटा भाई है चिराग कटवाड़िया सराय से और चिरादली टीम में खेलता है, उसका जो आज के टाइम में मैं मानता हूँ कि उससे बेहतरीन जो ड्रॉपिंग बॉल में या अंडर हैंड बॉल में उससे बेहतरीन सेंटर कोई नहीं है। पंजाब में भी जैसे मैंने देखा जस्सा भाई हो गए अपने अंग्रेज मर्दा एडी से हो गए, और जैसे जादू हो गया, बहुत सारे सेंटर हैं, जैसे अपना जोंटी भाई हो गया, लेकिन जैसे जो उसके अंदर टेक्निक है नीटे के अंदर, वो टेक्निक किसी भाई के अंदर दूसरे के अंदर, जैसे कमल भाई हो गया, कमल भाई का भी बहुत ही बेहतरीन गेम है, लेकिन इन सभी के बीच में जैसे कमल भाई भी पहले खेलते थे, जस्सा भी अभी स्टार्ट किया है, लेकिन और बहुत सारे सेंटर पहले भी खेलते हैं, लेकिन जो नीटे ने अपना बीच में आगे एकदम अपने आप को उभारा इस गेम में, उसके लिए हम उसको बहुत, मैं कहता हूँ कि भाई का गेम ऐसे ही आगे बढ़ता रहे, वो ऐसे ही प्रैक्टिस करता रहे, और मैं उस भाई का गेम मैं कहता हूँ कि आगे भी ऐसे ही देखता रहूँ। हाँ रमेश भाई, मैं चाहता हूँ कि एक देश एक फॉर्मेट हो, ये ज़रूरी है इस गेम के लिए कि गेम में चाहे कोई भी हो, मीडियम चल रहा तो मीडियम ही हो, कैची का तो कैची ही हो। देखो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो कैची को पसंद करते हैं, कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो अपना मीडियम को पसंद करते हैं, कुछ शूटिंग को करते हैं। इसमें हम एक फॉर्मेट तो यही बना सकते हैं कि भाई जो शूटिंग बॉल वाला है वो शूटिंग भी खेलेगा, प्योर शूटिंग वाला, मीडियम वाला वो खेलेगा, लेकिन गेम तो वही है। देखो इसमें इस चीज़ के लिए हम अपना ये कर सकते हैं, जिस प्लेयर जिस भी भाई को हमारे जितने भी स्टेट से हैं, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हुए हैं, पूरे इंडिया के अंदर जो अपने, जैसे हमें कच्ची पसंद है तो हम कच्ची की टीम अपनी टीमों को थर्ड बॉल अंडर हैंड जो इसमें बेस्ट गेम अब स्टार्ट हुआ है उसको हम मानते हैं कि इस गेम को हम एक देश और एक फॉर्मेट के अंदर हम अपना इस गेम को अपना सकते हैं। ड्रॉपिंग बॉल था इससे पहले, उस आप भी खेलते थे, सभी खेलते थे, सभी की रुचि थी, लेकिन आज के समय की जो मांग है वो है थर्ड बॉल अंडर हैंड। और भाई जैसे अपना जयपुर से टीम आती थी एक बार, मेरे को याद है, मैं तो भाई संजय से भाई के साथ भी खेला हूँ, अपोजिट में जो अपना दिनेश भाई उनके साथ भी खेले हैं, उनका गेम भी बहुत ही बेहतरीन है जो स्कोरिंग के अंदर है। और हमारे जो विपिन भाई है, इन्होंने भाई दो तीन बार अपने इंडिया की अपने स्टेट की तरफ हरियाणा का नाम भी रोशन करा है, इन्होंने अपनी जो टीम लेके गए थे भोपाल में गए थे, एमपी में गए थे, और अपना जो बिजेंद्र भाई फोगाट
जो है अपने फोगाट भाई साहब, बड़े भाई हैं, ईडन गार्डन में जो टूर्नामेंट हुआ था उन सभी टूर्नामेंट में मेरे को जो हरियाणा की टीम है उससे फर्स्ट पोजीशन देखने को मिली थी। और अपना जो यहाँ पे दिल्ली जो अपना टूर्नामेंट हुआ था ये अपना नजफगढ़ के पास है, इसका अपने स्टेट का नाम ऐसे ही रोशन करता रहे। पानी ने का मुकाबला ना हो सकता, सही बात है भाई सिन्नू भाई। आज के टाइम में क्या मैं कहता हूँ कि अब फिलहाल जो नेट है उसमें निन्ने से बढ़कर कोई नेट नहीं है। और मैं कहता हूँ कि भाई प्रैक्टिस करते रहे, क्योंकि प्रैक्टिस ही इस गेम का मूल वर्चस्व है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चाहे वो कोई भी हुआ, इससे पहले जैसे अपनी और भी टीम हुई है। मैं क्षमा चाहता हूँ भाई जी, नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम थी यहाँ पे इसीलिए थोड़ा वो हो गई थी दिक्कत, इसके लिए मैं आपसे सॉरी चाहता हूँ भाई। नीरज ये तो भाई आपका बड़प्पन है, पट्टी मैं तो वैसे ही लगाता हूँ वो तुक्के से गिर जाती है। रवि के बारे में भाई क्या बोले, रवि तो हमारा जो स्टार है पंजाब के अंदर आज के टाइम में, रवि की जो फोर्स है उसके मुकाबले में मेरे हिसाब से तो कोई है नहीं। इससे पहले जैसे हमारे यहाँ पे जिनके जो प्लेयर जिनको हम जानते हैं, जैसे पहले अपने घेवरा से डॉक्टर होते थे उनके हाथ में फोर्स थी, बहुत ज़्यादा फोर्स थी। मैं ये कहता हूँ कि बगैर जंप के जो फोर्स वो लगाते थे वो आज के टाइम में किसी के हाथ में नहीं है। उससे उसके बाद अपने डॉक्टर, मैं तो ये कहता हूँ जितने भी डॉक्टर हुए सभी के ये फोर्स के धनी थे, जैसे गोपालपुर से अपने डॉक्टर भाई हो गए और रवि अब फिलहाल जो है उसके हाथ में फोर्स बहुत ज़्यादा है। और गुड्डू भाई थे इस मामले में, फोर्स के मामले में खड़े खड़े ही बॉल लगाते थे वो। अजीत जी भाई राम राम भाई। प्रेम मेरे को तो भाई सही बताऊं ड्रॉपिंग ही अच्छा लगता है, क्योंकि मैं तो मोस्टली ड्रॉपिंग ही खेला हूं, लेकिन अब फिलहाल जो थर्ड बॉल अंडर हैंड चला हुआ है उसका भी मैं अब थोड़ा अब उस गेम के लिए भी मैं बहुत ही उसको इंटरेस्ट के लिए देखते हैं, क्योंकि उसमें ये देखने को मिलता है कि उसमें कोई एक टीम ऐसी नहीं है जैसे ड्रॉपिंग में होती थी। बीच में ऐसे टूर्नामेंट होने शुरू हो गए थे जैसे दो तीन टीम ही हो गई, जैसे सापला हो गई थी या चिराग दिल्ली हो गई थी, या जैसे बीच में लंबे जो अपने प्लेयर होते थे हाइट वाले उनका गेम आया जैसे निट्टू हो गए, ये सभी मिक्स होके आते थे। जैसे जैसे दिनेश वाता जयपुर से, तो उसने क्या कर दिया, जो नेचुरल जो मतलब अपने जो छोटी छोटी टीमें होती जो सीख रही थी उन टीमों के लिए मनोबल तोड़ने वाली बात होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि तीन ही टीम उसमें रह गई थी ड्रॉपिंग बॉल। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आज के टाइम में थर्ड बॉल अंडर हैंड बेस्ट है, लेकिन हमारे हम तो आज भी चाहते हैं कि ड्रॉपिंग ही चले, लेकिन थर्ड बॉल अंडर हैंड जो हमारे समय के टाइम के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। और भाई जो अपने सिन्नू भाई हैं उनके बारे में तो हम क्या बोलें, क्योंकि उन्होंने जो प्रैक्टिस की है उसके हम कहते हैं कि भाई बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस की है, क्योंकि जब वो स्कोरिंग करना शुरू किया उस टाइम पे उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी दिल्ली के अंदर ही अपने जॉनी भाई थे स्कोरिंग में, अच्छा जब सुनील भाई थे, गरंग थे, रुपेशी थे, और इधर से हमारे भुंडू भाई थे जो NCR में आ गए, उधर से फिर सोनीपत से भी हमारे स्कोर आने शुरू हो गए। जैसे कि जो भगते का लड़का है आज के टाइम में वो भी बहुत अच्छी स्कोरिंग कर लेता है, नवीन भाई हो गए जो अपने छोटे भाई हैं, उधर बहादुरगढ़ से अब जैसे बाबा के नाम से प्रसिद्ध अपने भाई बहुत ही बेहतरीन, मैं कहता हूँ कि आज के टाइम में लंबे स्कोरर में सबसे बेस्ट स्कोरर है वो। और उसका नेट है जो वो भी बहुत ही मेहनत की है, पुटगांव से जो अपना नितिन भाई है, और चक देगी तो आप जानते ही होंगे पुटगांव से बहुत ही बेहतरीन प्लेयर हैं। और जैसे हमारे जो सापला की टीम में खेलते सातों के सातों खिलाड़ी, जैसे हमारे जो प्लेयर थे बहुत ही बेहतरीन कम्बिनेशन था उनके बीच में। रमेश भाई इस बात से मैं आपकी बिल्कुल सहमत हूँ, ये दो प्लेयर ऐसे हैं इस वॉलीबॉल ड्रॉपिंग के अंदर सिनू और गुंडू, ये दूसरी टीम के माइंड के साथ खेलते हैं कि किस प्रकार इस टीम को हराया जाए। इन दोनों के अंदर क्वालिटी जो है एक उस चीज़ का मैं भी कायल हूँ, क्योंकि ये टीम दोनों कभी हार नहीं मानते, चाहे दूसरी टीम 20 पे हो इनके 4 पॉइंट हो, लेकिन ये कहते रहेंगे खेलते रहो जितना लंबा गेम चलाओगे चलाते रहो। मैं इस चीज़ के लिए इन चीज़ों इन दो को दोनों भाइयों को जो अपने छोटे भाई हैं हमसे मेरे से, तो दोनों भाइयों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और कहता हूँ कि ये आगे भी ऐसे ही इस गेम में बढ़ते रहें। भाई मेरे को मैं बता रहा हूँ मैं तो ड्रॉपिंग बॉल खेल रहा हूँ, ड्रॉपिंग बॉल पसंद है, लेकिन जो आज के टाइम आज के समय की जो मांग है वो है थर्ड बॉल अंडर हैंड।
हाँ जो हमारे विपिन भाई अभी अभी जो हमारे भारत के जो कैप्टन हैं इंटरनेशनल जो टीम के खिलाड़ी रह चुके भारत की तरफ से जो इंटरनेशनल खेल के आए थे नेपाल के अंदर, मैं उनकी बात से सहमत हूँ क्योंकि डायरेक्ट जो वॉलीबॉल स्टार्ट किया है अभी थर्ड बॉल एंड रन, इसके अंदर मेरे को ये लगता है कि एक देश और एक फॉर्मेट स्टार्ट होने जा रहा है। और इसका मैंने सुना है भाई, भाई से भी मेरी बात हुई थी कि अभी जो है महाराष्ट्र में शायद या पता नहीं भोपाल महाराष्ट्र में बता रहे थे भाई अपने कि वहाँ पे हमारा जो है एक आईपीएल होने जा रहा है, इस डायरेक्ट वॉलीबॉल जो थर्ड बॉल अंडरहैंड है इसका एक आईपीएल होने जा रहा है। और इसके लिए मैं भाई को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि जो उन्होंने अपना प्रयास किया है विपिन भाई ने, चहल साहब ने, मैं कहता हूँ कि बहुत ही बेहतरीन था। और भाई जैसे हमारे जो मैं बता रहा था कि सापला की टीम में जैसे सतपाल भाई थे, सापला की एक ऐसी टीम रही थी जिसके अंदर तंत्र विद्या, कला और खेल से संबंधित जो चीज़ें थी वो सभी चीज़ें मौजूद थी। पर्ची डालनी हो सतपाल चले जाते थे भाई, किसके साथ मैच चाहिए, वो टीम एक ऐसी टीम मानता हूँ मैं, देखो बेहतरीन टीम रही है लेकिन उसके अंदर ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त थी। जैसे कि हमारे साथ अपने हरियाणा के अंदर जो सतपाल भाई थे, मैं तो तीन ऐसे बाबा मानता था इस गेम के अंदर कोई बुरा मत मानना भाई, यूपी से तो हसन होता था, दिल्ली से अपने बॉबी भाई होते थे और हरियाणा से जो अपना सतपाल भाई हैं, ये तीनों मोड़े थे अपने उस समय के, ये जहाँ भी जाते थे ये तीनों की ऐसी तंत्र विद्या चलती थी। देखो गेम तीनों का अच्छा था, इसमें कोई फर्क नहीं है, मैं ये नहीं कह सकता कि गेम अच्छा नहीं था। एक बार का वाक्य याद है मेरे को, नजफगढ़ में टूर्नामेंट हो रहा था वॉलीबॉल का यहाँ गोपाल नगर में, और वो भी भाई मेरे को बोले कि भाई आना पड़ेगा खेलने के लिए, मैं ठीक है वो भी भाई आते हैं। और उस टूर्नामेंट के अंदर भाई मेरे को इतना मज़ा आया क्योंकि उस टूर्नामेंट में वो भी भाई ने ऐसी ऐसी टीमों को हराया जो ये कह रहे थे कि हम यहाँ पे बस खेलने जा रहे हैं, वहाँ ईंट के नीचे जो हमारा इनाम रखा उसको लेके आ जाएंगे। और वो भी भाई ने वहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी टीमों को थर्ड बॉल अंडर एंड में हराया था। मैंने उस दिन देखा था कि वो भी भाई भाई बेशक चाहे आज भी देखो जो अपनी यंग साइड है उनसे ही बेस्ट खेलते हैं। और उसमें एक साइड है जैसे हमारी मेरी साइड खेल रही थी, एक साइड टकला था, एक साइड अपना जो बॉबी भाई था, और दो तीन दो बच्चे पथरेडी से जो अब आज उनके प्लस नेट और माइनस नेट दोनों हो गए हैं, बहुत ही अच्छे खेलते थे। तो वहाँ पे जो टूर्नामेंट हमने जीता था, मैंने तो ये सोचा था कि भाई चलो भाई इंजॉय करके आते हैं, लेकिन उस टूर्नामेंट में बॉबी भाई ने फर्स्ट पोजिशन प्राप्त की थी। प्रदीप भाई राम राम। सीनू भाई तैयार हैं उसके लिए आपको पूछने की जरूरत नहीं है भाई, अंकित मैं ही बोल देता हूँ, सीनू भाई जिस दिन आप उसको टाइम दोगे उस दिन आपके साथ तैयार हैं। भाई विकास पाटोदी आज के टाइम में जो कहता हूँ कि जो उसने अपना गेम पहले भी उसका अच्छा था लेकिन आज भी उसका जो गेम है उसने अपने जो प्रैक्टिस करके उस गेम को और भी आगे बढ़ाया है। अभी पीछे उसने एक बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट करवाया था जो उसमें उसने बहुत सारे इनाम रखे थे, मैं तो उसमें जा नहीं पाया था मेरी किसी कारणवश से ये लगा, मैं ड्यूटी पे था इसलिए वहाँ पे जा नहीं पाया था। और लेकिन वहाँ पे जो उसका टूर्नामेंट था मैंने लाइव देखा था, बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट हुआ था। हाँ रमेश भाई हम इस चीज़ के लिए आपसे सहमत हैं कि आज के टाइम में जो थर्ड बॉल अंडरहैंड गेम है बहुत ही बेहतरीन गेम उभर कर सामने आया है। पहले इससे पहले मीडियम भी खेले होंगे, ड्रॉपिंग भी खेले होंगे, शूटिंग भी खेले होंगे, लेकिन जो थर्ड बॉल अंडर हैंड गेम है इस गेम में कोई टीम हम ये नहीं कह सकते ये टीम लूज है, ये ज़्यादा वो है तगड़ी टीम है। जैसे पथरेडी की हो गई, जैसे चिराग दिल्ली से हो गई, सापला की टीम होगी, ये टीमें जैसे आपकी जयपुर से होगी टीम, यहाँ पे जैसे पंजाब में भी है जैसे जस्से भाई की टीम होगी रायसर से, मरदाहेडी की टीम होगी, जोंटी की टीम होगी पंजावाल से, अपने हरियाणा से भी दो तीन टीम आती हैं, एक अपनी अम्बाला के पास भी दिनेश भाई की टीम है बहुत ही बेहतरीन टीम अंडर हैंड की। मैं इन टीमों को कहता हूँ, सोनीपत से जैसे विक्की जो अपने हैं बंदेपुर से उनकी टीम हो गई, जैसे बंदरौली से मोनू भाई की टीम हो गई, बहुत ही बेहतरीन टीम है। ये तो विपिन भाई आपका बड़प्पन है आपके लिए बहुत बहुत, वो क्या कह कहे भाई हम तो छोटे से प्लेयर हैं इस गेम को, वैसे हम तो इन्जॉय करने जाते हैं। हम तो देखो मोस्टली मैं तो पहले जो अपने थे गड्डी का मैच देखने जाते थे उससे पहले हम मैच देखते, जैसे अपनी टीम हो गई साउदा की, भाई मैं तो साउदा की टीम का जिस दिन से मैंने इस गेम में एंट्री की है, जिस दिन से मैंने साउदा की टीम को देखा है तब से ही मैं साउदा की टीम का फ़ैन हूँ, क्योंकि उस टीम का जो गेम है
अटैकिंग गेम है, उनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, हार जीत से कोई मतलब नहीं, उनको उनको अपना गेम दिखाना है बस भाई। उनमें तीनों भाइयों में ये होड़ लगती थी कि मैं उससे ज़्यादा फोर्स मार सकता हूँ, मैं उससे ज़्यादा, जो इस चीज़ के लिए हम उसको बहुत बहुत वो कहते हैं भाई। हमें वो टीम जैसे आज भी हम याद करते हैं उनके मैच जो हमने देखे, ये नहीं कि उस टीम ने टूर्नामेंट जीते, उस टीम ने टूर्नामेंट भी बहुत जीते हैं, और ऐसी ऐसी टीमों को हरा कर जीते हैं जो ये कहते हैं कि भाई हाँ हम ये है कि हमें कोई नहीं हरा सकता, उन टीमों को सावदा की टीम ने हराया है। भाई नीरज भाई बिल्कुल आपसी बात से सहमत है, विपिन भाई से जी अच्छी साइड नहीं है, और अपने चकदे भाई हो गए साइड के मामले में, और जो नाना था उस टाइम पे देखो भाई हमारे साथ खेला है, जो नाने जो भुआपर का गेम था बहुत ही बेहतरीन गेम था, और थर्ड में जो हमारे सतपाल भाई जी थे उनका गेम भी बहुत ही बेहतरीन है, और भाई इसमें क्या कोई दो राय नहीं है, ये जो अभी दोनों ही युवा हैं, इससे पहले जो हमारे नरेश भाई थे चिराग दिल्ली से, उससे बेहतरीन साइड और सेंटर में किसी को नहीं मानता। ड्रॉपिंग बॉल में जो उसका गेम था बहुत ही बेहतरीन गेम था, उससे पहले हमारे जैसे सापला की टीम में ही खेलते थे प्रदीप लाठर, उसका भी बहुत ही बेहतरीन गेम था, उससे बेहतरीन सेंटर में मानता भी नहीं। उस टाइम पे वो ही टीम थी जो यमुनानगर को इनको टक्कर देती थी, यमुनानगर का नन्ना था वो भी बहुत ही बेहतरीन सेंटर है, कोई दो राय नहीं। भाई आकाश जो अपना जूनियर बच्चा है अपने यहाँ चंडीगढ़ की तरफ से खेलता, बहुत ही बेहतरीन, धीरे धीरे उसका गेम में भी सुधार आ रहा है रोहित भाई। भाई सीनू भाई एक्सपीरियंस आपका भी हम कहते हैं कि आज के टाइम में आप ये कहोगी मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास भी बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है, आज आप आज से नहीं खेल रहे, लगभग आपको 10-12 साल हो गए होंगे इस गेम में खेलते हुए। भाई विजेंद्र भाई हमारा छोटा भाई जो हमारा मोटा भाई है बहुत ही बेहतरीन, कहते हैं कि खिलाड़ी ही नहीं बहुत ही इंसान भी, वही बहुत ही हंसी मजाक जैसे है, बहुत ही इंटरटेनमेंट कराता है और लाइव चलाता है, बहुत ही बेहतरीन, हम कहते हैं कि भाई जो ये सेवा प्रदान करता है कि हम घर बैठ के अगर जिस टूर्नामेंट में जा पाते उस मैच को देख पाते हैं, उसके लिए मैं कहता हूँ कि भाई मोटे भाई के लिए अपने दिल से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भाई नीरज भाई बात देखो, हम जो बात है जो जिस टीम के साथ खेले हैं, जिन भाइयों के साथ खेले हैं, उनके बारे में बताने में कोई झिझक नहीं, क्योंकि हम उनको जानते हैं भाई, जिसके साथ हमारे जानते नहीं जिनको, उनके बारे में हम यही कह सकते हैं भाई बेस्ट प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है। भाई हमारे जो हरियाणा में हमारी सापलाई जितनी अच्छी टीम हुई है उसको हम एक टीम और भी कहते थे, रोड़ा क्लब भी बोलते थे उसको, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है। मोस्टली टूर्नामेंट हमने देखे कि जहाँ सापला की टीम पहुँची वहाँ पे एक दो पाँच चार टूर्नामेंट तो ऐसे जहाँ पे उन्होंने झगड़ा ही करवाया है, ज़रूर करवाया हुआ है, वैसे झगड़ा नहीं मतलब टूर्नामेंट में पर्चियों में कुछ हो गया या कुछ भी हुआ है, लेकिन उसको हम रोड़ा क्लब के नाम से जानते थे। वीरेंद्र भाई जयदीप का गेम जो पहले देखा था मैंने, पहले भी बहुत ही अच्छा गेम था, लेकिन जो उसने अब अपना गेम डेवलप किया है मतलब बहुत ही मस्त गेम है, फोरस भी उसके हाथ में ये नहीं कहते कि कम है, बहुत अच्छी फोरस है, बहुत अच्छा खिलाड़ी है, और खिलाड़ी के साथ साथ मेरा तो बहुत अच्छा भाई, आप तो हमारे बड़े भाई हो गए, मेरे तो उसके साथ जैसे है, मैं तो घर भी आता जाता रहता हूँ भाई के मैं, लेकिन बहुत ही बेहतरीन जो है इंसान भी है और खिलाड़ी भी है। हाँ भाई जी चुलाने वाले ही जयदीप के बारे में बता रहा हूँ विजेंद्र भाई जी, अभी अभी भाई की नई नई शादी हुई है लॉकडाउन के अंदर, मैं भाई को बहुत बहुत बधाई देता हूँ उसका जो आगे जो विवाह गुजरे और उसको हर खुशी मिले। भाई राहुल भाई बहुत ही बढ़िया, आप सुनाओ। नरेंद्र भाई राम राम, राम राम भाई जयदीप, राम राम सुलाना से और इनके गांव से एक बहुत ही बेहतरीन जो हमारे बुजुर्ग प्लेयर होते थे उनको हम राजल के नाम से जानते थे, और जयदीप के साथ उनका बहुत ही बेहतरीन जो कम्बिनेशन बना हुआ था उसके बारे में हम क्या कह सकते, बहुत ही बेहतरीन सेट था उस टाइम पे वो भी।
जितने मेरे भाई लाइव आए हैं, मैं एक बार फिर से उनको बोलता हूँ राम राम, उनको कहता हूँ अपने दिल से, उनको धन्यवाद करता हूँ कि भाइयों ने मेरा ये प्रोग्राम जो है वो देखा, और मुझे जो कुछ भी है, जो भी किस कुछ मैंने गलत बोला वो अब तक, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। भाई अंकित मास्टर जो कसरेटी से हैं, वो भी बहुत ही बेहतरीन गेम था। मैं कह रहा हूँ कि जो हमारे यहाँ पे ड्रॉपिंग में जो ओपन टूर्नामेंट हुए हैं, उन्होंने बहुत से, जैसे ओपन ने बुराई नहीं थी, लेकिन ओपन टूर्नामेंट में जो मिक्स होने स्टार्ट हो गए थे, उसने हमारे गांव की जो विलेज की जो मोस्टली अच्छी अच्छी टीमें थी, उन सभी को फिनिश करना शुरू कर दिया था। जैसे धीरे धीरे, जैसे कसरेटी से था, उसको दूसरी टीमों ने बुलाना, भालाउट ने बुलाना शुरू कर दिया। दूसरी टीम ने, जैसे हमारे हमारा सेट टूटा तो मैं सापला में खेलना शुरू हो गया। ऐसे जो बहुत सारी ऐसी टीमें थी, जो अच्छी अच्छी टीमें थी, वो इसी पॉलिटिक्स की वजह से फिनिश हो गई, जिसकी वजह से ये गेम ड्रॉपिंग बॉल है वो भी डाउन आया। और उसके बाद जैसे अंडर हैंड गेम है, इसमें पॉलिटिक्स जो स्टार्ट हुई है ओपन प्लेयर से, जैसे यमुनानगर से जैसे टीम आती थी वो भी मिक्स कर लेके आ जाती थी, करनाल से आती थी वो यमुनानगर को मिक्स ले आया, नीटू से हो गई, फिर उसके बाद सापला ने मिक्स करना शुरू कर दिया, चिरागदुली ने भी मिक्स किया। लेकिन एक सेट ऐसा था सावदा का सेट, जिसने कभी किसी को मिक्स नहीं किया, उन्होंने कहा कि कोई भी खेलो हमारे साथ, हम ऐसे ही खेलेंगे। भाई नरेश, हम तो वो भी भाई को दिए मानो कि जिस दिन से हमने खेलना शुरू किया तब से ही जानते हैं। मेरा फर्स्ट टूर्नामेंट जहाँ पे मैंने खेला था, ओचंदी गांव था हमारे गांव के पास में, वहाँ पे सुनील भाई के साथ ये हमारे वो भी भाई आए हुए थे, वहाँ पे मैंने वो भी भाई से मेरी जान पहचान हुई थी, उसके बाद कराला में हुई थी। लेकिन बहुत ही, मतलब बहुत ही बेहतरीन इंसान है वो भी भाई। लेकिन ये इस बात के लिए आप चाहे बुरा मानो चाहे भला मानो, भाई मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारे दिल्ली, यूपी और हरियाणा में तीन जो हमारे बाबा होते थे, सतपाल महाराज, बॉबी महाराज और जो हमारे क्या नाम हसन जो था निट्टू की टीम में है, वो ये तीनों बहुत ही ज़बरदस्त ऐसे महाराज हैं कि इनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि ये किसी भी चीज़ को पलट सकते हैं। किसी भी मैच में इनका बॉल को हाथ लगाना या कुछ भी पर मंत्र पढ़ना या कुछ भी, एक जैसे हमारे निंदर चाचा है भैया सापला से, अपने साथ माला रखते मोतियों की, हर टाइम पढ़ते रहते हैं कि भाई, जैसे वो मोस्टली चिराग दिल्ली के साथ, अनिल के साथ जाते थे, चिराग दिल्ली टीम के फेवर में रहते थे, हम बाहर अंदर से देखते हो माला ही पढ़ते रहते, तो अपने उसके अंदर जैसे ही बैठ के मंत्र पढ़ते रहते कि सापला की टीम हार जाए कैसे भी हार जाए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बहुत ही बेहतरीन वो भी इंसान है, लेकिन सभी का अपनी अपनी, जैसे भाई कोई टीम है अपनी पसंद होती है, वो उसी टीम के लिए वो करते हैं। भाई रोहित चंडीगढ़ की टीम भी बहुत ही, जैसे अब जो टीम स्टार्ट हुई है बहुत ही अच्छी टीम है। भाई ये बात बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं विजेंद्र भाई जी, क्योंकि आप इसको पहले जानते, बहुत ही अच्छी बात बोली आपने इसके बारे में, आप ही बता दें सतपाल, बॉबी और हसन, इन तीनों के बारे में आपसे बेहतरीन बेहतर कोई नहीं जानता। हाँ दिनेश भाई भी हमारे जो हैं, उसके बारे में हम क्या बोले भाई, दिनेश भाई बहुत ही, देखो मैं तो जब से बहादुरगढ़ में आया हूँ या बाहर भी जाते हैं, दिनेश भाई के साथ मेरी बोलचाल बहुत अच्छा, मैं कहता हूँ प्लेयर भी है इंसान भी है, और हर टाइम ये कहता है कि भाई कुंदर भाई बताओ क्या सेवा पानी करनी है, टूर्नामेंट में आया, टूर्नामेंट में तो ऐसे ही चलता रहता है। बहुत ही मैं कहता हूँ भाई दिनेश भाई प्लेयर भी अच्छे हैं, मैंने तो इसका एक गेम देखा था यहाँ पे जो अपना बंदरौली गड्डी में है, इसके साथ इसका गेम था, जयपुर के साथ गेम था, वहाँ पर इन्होंने बहुत ही बेहतरीन गेम दिखाया था, कि जब इसका सेट मैं कहता हूँ कि वीक ही था, लेकिन इसने वो गेम दिखाया था वहाँ पे कि सर्विस पे भी बॉल पे भी अटैक करके इन्होंने पॉइंट निकाले थे। भाई जैदी भाई से को हम फिर से शादी की मुबारकबाद देते हैं। भाई जीते भाई, वो पुराने टाइम की बात हो गई। हाँ उस टाइम पे बहुत ही, मैं कहता हूँ कि हमारे गांव की जो जटोला की टीम थी बहुत ही बेहतरीन टीम थी। ये तो नहीं कि भाई हमने टूर्नामेंट बहुत ज़्यादा जीते, लेकिन हम हमारा एक वसूल था, जिस टूर्नामेंट में जाते थे जो टीम उस टूर्नामेंट में सबसे अच्छी होती थी हम उसी के साथ मैच करवाते थे। हमें कभी ये नहीं था कि भाई सावदा की टीम की तरह ही हमारी नीति थी कि जो टीम आपके पास अच्छी है उसी के साथ खिला दो भाई, हम उसी के साथ खेल के अपना चले जाएंगे, हारे या जीते वो हमारा आगे का वो है। भाई वो भी भाई आपके बिना जो है, जो ये टीम है अपनी, आपके बिना ये टीम खड़ी नहीं हो सकती। मैं कहता हूँ कि कोई भी जैसे टीम है, किसी टीम को बनाना और बिगाड़ना आपके हाथ में है, आप ये मानो कि एक जादूगर हो।
मैं वो भी भाई आपको बिल्कुल आपके लिए आपके ऊपर बैठती भी आप जादूगर हो। आपने जो टीम जैसे यमुनानगर टीम को भी आप बुला के लेके आए थे अपने एरिया में, वो टीम भी टॉप रही और उसको ख़त्म करने में भी आपका ही हाथ है भाई। प्रदीप मैं कहता हूँ कि भाई विक्की जो अपने कुंडल भाई कुंडल से हैं, विक्की हो गया, अनिल हो गया और भाई भोला हो गया, बहुत सारे जो अपने कुंडल गांव से बहुत सारे प्लेयर हैं, बहुत अच्छी टीम थी उनकी। मैं कहता हूँ कि विक्की भाई भी बहुत ही बेहतरीन सेंटर रहे हैं। पहले वो गोपालपुर के साथ भी खेले हैं, मिक्स हो गए अपने कुंडल गड्डी के साथ भी खेले हैं। विक्की जैसा मतलब प्लेयर तो है ही वो, लेकिन वो एक जिंदा दिल इंसान भी है। मैं तो उसके साथ ये माने चलो अब भी जाता हूँ तब भी मिलते हैं, बहुत ही बेहतरीन इंसान है। जैसे अपने विजेंद्र भाई हैं ऐसे ही वो हमसे वो करते हैं कि भाई गेम के बारे में भी और भी जैसे अपने कैरियर के बारे में भी बातें करते हैं, और घेवरा के जो टीम है उसके बारे में भी। जैसे अब नया जो लड़का अपना जो सेंचुरी है वो भी है, उसका भी गेम देखा मैंने, बहुत ही बेहतरीन गेम उभर कर सामने आया है। उससे पहले भी घेवरा की टीम तो बहुत ही बेहतरीन रही है, मेरे जब टूर्नामेंट शुरू खेलने शुरू किए थे उस टाइम पे घेवरा की टीम हो गई, अपना बरवाड़ा की टीम हो गई, गड्डी कुंडल की टीम हो गई, अच्छा भाई सावदा की टीम भी थी, अपना जो सापला की टीम भी बहुत अच्छी थी उस टाइम पे, नारी की टीम थी, रामपुर कुंडल की टीम बहुत बेहतरीन थी, हमारे गांव की भी टीम उस टाइम पे खेलने जाती थी। एक बार बरवाड़ा के टूर्नामेंट का भी देखा था मैंने, वहाँ पे मैंने पहली बार अपने जो बड़े भाई हैं जो घेवरा से डॉक्टर हैं उनका गेम देखा था। वहाँ पे उन्होंने जो गेम दिखाया था वहाँ पे अपने सुल्तानपुरी से अपने जो विक्की भाई लेफ्टी वो भी आए थे, जो सुनील भी आए थे, रुपेशी सुरेशी भी आए थे, वहाँ पे इन्होंने बहुत ही बेहतरीन गेम दिखाया था भाई। विजेंद्र आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, इनके पास पता नहीं कौन सा सुदर्शन चक्कर है, कब पता नहीं किस टाइम पे छोड़ दें, और इनका इनका ये मानो कि इनके इस मामले में इनका कोई सानी नहीं है। भाई गोपालपुर टूर्नामेंट बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट था वहाँ की, ये मेरे को एक वाक्य याद है। वहाँ पे जैसे गड्डी कुंडल की टीम खेलती थी उस टाइम पे, वहाँ पे उन्होंने फ्री स्टाइल मैच करवाया था थर्ड जंप का, और उधर से सापला की टीम में अनुजा खेल रहा था, और यहाँ पे बरवाड़ा और गड्डी की टीम मिक्स थी, इसमें भंडारी था। स्टार्टिंग में जो गेम हुए थे 15-15 के 3 सेट हुए थे, पहले सेट जो है भंडारी ने जीता था, उसके बाद दोनों सेट थे, दूसरे सेट में 8 हो गए थे भंडारी के, 0 सापला के थे, लेकिन उसके बाद अनुज भाई ने बोला था कि चलो भाई अब अपना गेम जो है अपना नेट मार के खेलो और बॉल बनाओ। उसके बाद अनुज ने जो बॉल लगाई थी वहाँ पे वो गेम, मतलब भंडारी ने भी बॉल बहुत ज़बरदस्त लगाई थी, लेकिन अनुज भाई ने जो अपना गेम दिखाया था उस टाइम पे वहाँ पे, और उस जो उसकी गड्डी और गुडी कुंडल की और बरवाड़े की टीम जो मिक्स थी उस टीम को वो उन्होंने हराया भी था, जो एक बहुत ही बेहतरीन गेम हुआ था भाई। विजय भाई जो सावदा में खेलते थे जो हमारे निजामपुर से थे, बहुत ही बेहतरीन प्लेयर थे, और उस टाइम पे जो सावदा की टीम जो उभर कर सामने आई थी उसमें भी उसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था भाई। रोड़ा क्लब के बारे में विपिन क्या बोले कि वो तो एक ऐसी टीम रही है, उसने टूर्नामेंट भी इतने जीते हैं और रोड़े भी इतने किए हैं, उसके बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि मैं तो उसी के साथ खेला हूँ, और बहुत ही बेहतरीन जो मैं कहता हूँ कि सेट रहा है सापला का, और मैं कहता हूँ आगे भी वो टीम ऐसे ही आगे बढ़ती रही, और मैं तो चाहता हूँ कि एक बार फिर जो हमारी पुराना जो सेट था, हमारे जो 7-8 प्लेयर थे, एक बार फिर किसी सेट टूर्नामेंट में वो सेट मैं देखना चाहता हूँ। चाहे वो तो देखो हार जीत तो इस खेल का हिस्सा, लेकिन अपना जो है काफ़ी दिन हो गए वो सेट देखे हुए, सावदा की टीम को भी मैं देखना चाहता हूँ, जो गुड्डू भाई है अपने, जोनी भाई हो गए, सचिन भाई हो गए, और विजेंद्र भाई जो भाई जितनी बार भी मैंने बहादुरगढ़ के टूर्नामेंट देखे हैं, विजेंद्र भाई बहुत ही मेहनत करते हैं वहाँ पे, बहुत ही अच्छा है वहाँ पे इनका इंतज़ाम होता है। ऐसे ही हमारे जैसे संदीप हुड्डा हो गए रोहतक से, उनका टूर्नामेंट भी जो है उसमें हर चीज़ की जो सुविधाएं जो फोगाट जी के टूर्नामेंट में मिलती है वो सुविधा वहाँ पर भी मिलती है। ये नहीं कहते कि वहाँ पर भी जो टूर्नामेंट हुए हैं अब तक मैंने जितने टूर्नामेंट रोहतक में खेले हैं बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट हुए वहाँ भी भाई। सुरेंद्र राम राम भाई, भुंडू सापला के बारे में जितना बोल रहे उतना ही कम होगा, क्योंकि आज के टाइम में भी उससे बेहतरीन जो स्कोरर है वो नहीं है।
देखो प्रैक्टिस चलती है, प्रैक्टिस ही किसी प्लेयर को अच्छा बनाती है, लेकिन उसके अंदर कुछ जो टैलेंट है, एक इतनी कम हाइट होने के बाद भी अच्छी अच्छी टीमों को वो बहुत ही अच्छे ढंग से हरा सकता है। ये नहीं है कि वो हार मानने वाला प्लेयर है, वो अब भी हार जाए लेकिन वो लास्ट तक यही कहेगा कि नहीं कुछ नहीं है, गेम खेलो हम, मतलब वो किसी चीज़ में मैच में, चाहे उसमें दूसरी टीम की लीड कितनी भी हो जाए, मैच छोड़ने वालों में से नहीं है, बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है। भाई प्रदीप, पंजाब में कच्ची की बहुत सारी टीमें हैं जो टॉप हैं, लेकिन उनमें जो आज के टाइम में जो मोस्टली जो टूर्नामेंट जीतती है वो जस्सा राइसर की टीम है, और बहुत ही बेहतरीन सेट है, और वहाँ पे जस्सा राइसर ही क्यों, मर्दा हेडी की बहुत ही अच्छा सेट है, और अपना जैसे शाहपुर का सेट है बहुत ही बेहतरीन सेट है, और अपना मर्दा हेडी की टीम है वो भी बहुत ही बेहतरीन है, भैया पर जो जोंटी का गांव है, जोंटी का सेट ही बहुत अच्छा है, और जादूगर का सेट भी बहुत ही बेहतरीन है, मतलब 8-10 सेट वहाँ पे ऐसे हैं, मोस्टली टीम तो मतलब वहाँ पे सारी ही अच्छी है, रायकोट की टीम के साथ भी बहुत ही, मैं 1-2 मैच खेला हूँ, बहुत अच्छी टीम है, मतलब टीम में ये नहीं कह सकते कि ये टीम ऐसी है, कोई भी टीम के साथ अच्छा अच्छी फाइट दिखाती है, ये नहीं कि एक तरफा मैच वहाँ पे देखने को मिलते हैं, मतलब लेकिन वहाँ पे जो टॉप टीम है आज के टाइम में जस्सा राइसर की टीम ही जो है उसमें टॉप टीम है। और भाई बहुत सारे जो टूर्नामेंट के जो हमारे यादगार लम्हा रहते हैं, अपने भाइयों से मिलते हैं उनको बहुत बार, जैसे मैं बीच में 3-1.5-2 साल के लिए उड़ीसा चला गया था, वहाँ पे ड्यूटी थी मेरी, तो वहाँ पे इस वजह से मैं इस गेम से भी दूर रहा, और जो अपने भाई थे उनके साथ बातें होती थी, चिराग दिल्ली जैसे सीनू भाई हो गए, नीरज भाई हो गए, नरेश हो गए, विजेंद्र भाई जी हो गए, अपने सतपाल भाई हो गए, संदीप हुड्डा जी हो गए, विपिन चहल हो गए, इन सभी से बातें करते थे, इस गेम के बारे में पूछते रहते थे, अपने कमल भाई हो गए, इन सभी से, लेकिन ये गेम है, इसको आगे बढ़ाने के लिए मैं तो चाहता हूँ कि हम सभी को प्रयास करना चाहिए। भाई रमेश कुमार, बिल्कुल आपकी बात सही है, बहुत ही बेहतरीन इंसान है, बहुत ही, मैं ये नहीं कहता कि वो जिससे भी, जैसे उससे छोटा भी हो कोई, बड़ा भी हो, कभी किसी से कुछ गलत नहीं बोलते, उसी को भी बोलते हैं कि हाँ भाई जी आप ठीक हो, आप किस टीम से आ रहे हो, या किस जो भी कुछ भी है, मतलब वो पहले जी लगाएंगे उसके बाद बोलेंगे किसी से। रमेश भाई जी, मेरा तो ये विचार यही है कि हम सभी को एकजुट होकर प्रयास करना होगा इस गेम को आगे बढ़ाने के लिए, और इसमें आपकी बात, जो आपने एक बात बोली थी, एक देश एक फॉर्मेट, मैं उस बात से आपके बिल्कुल सहमत हूँ, ये नहीं है कि भाई मेरे को ड्रॉपिंग से प्यार है, मेरे को शूटिंग, प्योर शूटिंग से प्यार है, जो भी गेम अपना उभर कर सामने है, चाहे वो थर्ड बॉल अंडर हैंड कैची का हो, उस गेम को आगे ले जाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, और सभी को एकजुट होकर इस गेम के लिए वो करना चाहिए, और इस गेम को डेवलप करने के लिए सबसे पहले तो भाई हमें पॉलिटिक्स छोड़कर अपने अंदर खेल भावनाओं को बढ़ाना होगा, क्योंकि मैं मोस्टली टीमों के बारे में देखता भी हूँ, सोचते भी हैं, हम आज भी देखते हैं, पहले भी देखते आए हैं, कि पॉलिटिक्स ये चलती रहती है कि दूसरी टीम को कैसे ख़त्म किया जाए, आपसे कोई अच्छा सेट है आप उसको प्रैक्टिस करके ही उस टीम को हरा सकते हो, नहीं बल्कि उसको, उसके प्लेयर को तोड़ के, या उसकी टीम में कुछ गड़बड़ हो जाए, या आप ये चाहते हो कि उसकी टीम के अंदर कम्बिनेशन बिगड़ जाए, हम उस चीज़ को कभी नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि सभी सेट प्रैक्टिस करें, सभी अच्छी अच्छी टीमें उभर कर सामने आए, और इस गेम को जो भी जितना हो सके हमसे बन सके हम इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। और मेरी तो इसमें एक राय है, जैसे अपने विपिन भाई जो डायरेक्ट वॉलीबॉल फेडरेशन जो हमारी है उसके जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने पहल की है कि साल में 5 या 6 जो अच्छे टूर्नामेंट होंगे उसमें जितनी भी अपने हर स्टेट की, डिस्ट्रिक्ट की जो भी टीम होंगी उन टीमों को बुलाया जाएगा, मैं चाहता हूँ कि साल में चाहे हम 12 टूर्नामेंट करवाएं, लेकिन 12 टूर्नामेंट किसी फेडरेशन के अंदर होने चाहिए, उनका रूल रेगुलेशन होना चाहिए, खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने की बात होनी चाहिए, इस गेम में अगर आप आगे ले जा सकते हो, देखो हम जैसे हम हो गए और कोई भाई हो गए जिसकी थोड़ी बहुत भी अपनी जितनी भी पहचान है, विजेंद्र भाई हो गए, जैसे फोगाट भाई जी हो गए, जो बच्चे हमारे जैसे उनके एरिए में हैं, मैं चाहता हूँ कि जो बेरोजगार हैं, जो अपना जैसे गेम खेलते हैं उसके बाद उनके पास कोई वो नहीं है, अपने घर पे रहते हैं, मैं चाहता हूँ कि उनको हम गवर्नमेंट तो नहीं करवा सकते, लेकिन किसी भी कॉन्ट्रेक्चुअल या किसी प्राइवेट सेक्टर में उनके लिए जो भी अगर वो करना चाहे उनको करवा सकते हैं, और साथ ही साथ उसके गेम को आगे बढ़ाने के लिए हम
तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस गेम के साथ साथ जो हमारे छोटे भाई हैं बड़े भाई हैं उनका फ्यूचर भी आगे अच्छा हो। सौरव भाई मेरे हिसाब से इस गेम में सेंटर तो मोस्टली जो अपनी जो टीम जीतती है सभी के अच्छे होते हैं, लेकिन जैसे हमारे दिल्ली से हो गए तो अपने नीटा भाई हो गया, और जो अपना कमल भाई हो गया, और जस्सा जो राइसर हैं, और मर्दा हेडी से अंग्रेज हो गया और जोंटी, और अपना इधर से यूपी से शास्त्री जो हैं वो भी बहुत ही बेहतरीन सेंटर हैं, और सोनीपत से जो विक्की हो गए, वो मैंने इन सभी का गेम देखा बहुत ही बेहतरीन सेंटर हैं। और अगर ये देखो कि जो जिसको हम ये बोलते हैं कि भाई इसको कोई मतलब नहीं गेम कहीं भी चलाओ हो, वो ऐसा सेंटर जो अटैक करके खेलेगा कहीं भी आओ उसको बॉल मारने से मतलब है, वो सबसे अच्छा सेंटर है गुड्डू भाई अपने साउदा से, उसको सिर्फ अपने उससे मतलब है जो उसके गेम में, चाहे वो गेम कहीं भी हो अगले का गेम पॉइंट हो या गुड्डू भाई का गेम पॉइंट हो अगले के 5 पॉइंट हो, गुड्डू भाई को बॉल मारनी ही है। भाई रमेश भाई पंजाब की फेडरेशन का सक्सेस होने का सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है क्योंकि वहाँ पे जो टाइमिंग उन्होंने बना, अब जो जैसे मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पे भी फेडरेशन जो है, अभी मैंने सुनने में आया कि उनकी फेडरेशन की भी कुछ बात चल रही है, वो अभी सक्रिय नहीं है, लेकिन जो पंजाबी फेडरेशन की सबसे अच्छी बात मेरे देखने को मिली वो अपने प्लेयर्स को मोटिवेट करती हैं। दूसरी चीज़ वो जो भी टीम आती है, जैसे 70 किलोमीटर दूर से उन्होंने अपना एक रूल बनाया हुआ है, जो भी टीम 70 या 60 किलोमीटर दूर से आएगी उसको हम किराया देंगे, उनके खाने पीने का व्यवस्था करेंगे, और उनका जो टूर्नामेंट होते हैं वो ये नहीं है कि पूरी नाइट ही खेलते रहे, उनमें वहाँ पे मैंने देखा कि कम से कम 4 नाइट होते हैं और सभी मैच कंटिन्यू चलते हैं। उनका एक रूल जो मेरे को सबसे अच्छा लगता है, जो टीम हारी है या जो टीम जीती है उसी टीम के 2 प्लेयर वहाँ पर रेफरी के लिए बैठेंगे, अगर वो रेफरी के लिए वहाँ पर नहीं बैठेंगे, अगर वो चले गए बगैर बताए किसी रीजन के, तो उस टीम के नेक्स्ट मैच में 5 पॉइंट कार्ड ले जाएंगे। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ है टाइमिंग, वो टाइमिंग जो पहले उनमें देखने को मिलती थी अब नहीं है, लेकिन पहले बहुत ही बेहतरीन जो उनकी टाइमिंग थी, उस टाइमिंग की वजह से ही, क्योंकि गेम हमारे यहाँ पे जो हरियाणा जो दिल्ली NCR और राजस्थान में जो गेम की जो वैल्यू कम हुई है वो इसी वजह से हुई है क्योंकि हमने लेट नाइट टूर्नामेंट स्टार्ट किए हैं। पहले टूर्नामेंट होते थे दिन में, टूर्नामेंट शुरू होते थे और रात को मोस्टली 10 या 11 बजे तक टूर्नामेंट फिनिश हो जाते थे, और अब क्या हो गया टूर्नामेंट जो हमारे लेट नाइट हुए हैं, मैं इसमें चाहता हूँ कि ये बात जो बिल्कुल विजेंद्र भाई ने भी बोली थी कल कि हम अपने टूर्नामेंट में जो भी दारू पी के आएगा उस पर बैन करेंगे, बहुत ही अच्छी बात थी। इस जो लेट नाइट टूर्नामेंट हुए इन्होंने खिलाड़ियों के अंदर नशे की लत भी बढ़ाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जीते भाई मैं कहता हूँ कि वहाँ पर जो सक्सेस है 6 प्लेयर के गेम से भी, आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि 6 प्लेयर का गेम में ये बेनिफिट है कि वो इतना लंबा नहीं चला जितना 7 प्लेयर का गेम चलता है, और थर्ड बॉल अंडर हैंड में मैं तो चाहता हूँ कि या तो एक टाइमिंग क्रिएट की जाए कि 45 मिनट्स या 1 आवर के लिए एक गेम होगा, उसमें जिस टीम के पॉइंट आगे होंगे या जिस टीम ने पहले 17 पॉइंट या 15 पॉइंट बनाए वो टीम जीत जाएगी। मैं चाहता हूँ कि इस गेम में ये होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई मैच 2-3 या 4 घंटे तक भी चल जाता है, हमने भी खेले गुड्डू भाई के का भी हमने एक मैच देखा था 3-4 घंटे तक मैच चल गया था, दिल्ली में जोनापुर में टूर्नामेंट हुआ था 4.5 घंटे मैंने देखा था, चिराग दिल्ली और यमुनानगर का मैच चला था, उसमें चिराग दिल्ली लीड बाई 2 पे हार गई थी यमुनानगर से। तो रमेश भाई मैं तो यही चाहता हूँ कि पंजाब में जो है उनकी जो टाइमिंग होती थी बहुत ही बेहतरीन होती थी, और टाइम से टूर्नामेंट मोस्टली टूर्नामेंट वहाँ पे 10 या 11 बजे तक फिनिश हो जाते हैं, और उसमें क्या होता है कि जो भाई पढ़ाई वाले हैं या नौकरी वाले उनको भी टाइमिंग मिल जाता था, और वहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि वो छुट्टी वाले दिन या सैटरडे को टूर्नामेंट रखते, सैटरडे और संडे को ही रखते हैं, ये नहीं है कभी भी जब मन किया इलेक्शन का दौर आ गया तो उस टाइम पर कर दिया, उनके टूर्नामेंट प्री प्लान्ड होते हैं, फिक्स होते हैं, फेडरेशन के तहत होते हैं, और हमारे यहाँ पर टूर्नामेंट की कोई प्लानिंग नहीं होती। आप अच्छा टूर्नामेंट करवाना चाहते हो तो 2 भाई आएंगे दूसरे को बोलेंगे कि हम दूसरा टूर्नामेंट, जैसे आपने अनाउंसमेंट कर दी 1 महीना पहले, आपके टूर्नामेंट आने से 2 दिन पहले कोई दूसरा टूर्नामेंट निकल के आ जाएगा, जो ये चीज़ बहुत गलत है। और पंजाब में फेडरेशन जो ऐसा करता था उस टूर्नामेंट वाले को बैन कर देती थी, और जो टीम उस टूर्नामेंट में जाती थी उस पर भी फाइन लगाती थी, ये नहीं देगा फाइन नहीं, फाइन लगता है उन पर भी, उनको भी वो बैन कर देती हैं। हाँ बिल्कुल बढ़िया भाई, 20-2 20 का अब इसमें हम जीते भाई, आपकी बात से सहमत हैं।
और भाई जैसे जो भी भाई हैं अपने जो लाइव जुड़े उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझसे कोई किसी के बारे में अगर या कोई मेरे से भूल हुई हो, कुछ गलत बोला हो, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और आज के लिए मैं आपसे, आपने जितने भाइयों ने मेरा जो लाइव प्रोग्राम देखा उनका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अब आप भी अपना, जैसे आपने अपना जो अपना कीमती समय मेरे को दिया उसके लिए मैं आपका बार बार बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अपने जो बड़े भाई हैं विजेंद्र भाई हैं, वो भी भाई हो गए, और छोटे भाई हो गए जीता भाई, विपिन भाई जो अपने इंडियन टीम में कैप्टन हैं, मैं इन सभी भाइयों से, जितने भी रमेश भाई हो गए जो शर्मा जी हैं अपने, जितने भी भाई प्रेम भाई हो गए, जितने भाई इस पेज से जुड़े हैं, उन सभी से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, इस गेम को आगे बढ़ाएं, इस गेम में कुछ ना कुछ ऐसा लेके आएं कि इसमें रुचि बढ़े। और इसमें मैं चाहता हूँ कि अपने यहाँ पे टाइमिंग का सबसे अच्छा ध्यान रखें। और जो हमारे इंडियन टीम के कैप्टन हैं, डायरेक्ट वॉलीबॉल फेडरेशन के जो हमारे एक सेक्रेटरी हैं, उनसे चाहता हूँ कि वो इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए अपना जो है 100% दें। और उस भाई ने, उन विपिन भाई ने मेरे को बताया भी था कि अभी अभी महाराष्ट्र में जैसे ही लॉकडाउन फिनिश होगा, जैसे इस बीमारी से हम निपटेंगे, इस बीमारी से जैसे ये हमारे यहाँ से इसके कोई वैक्सीन बनेगी या इसका खात्मा होगा, उसके बाद वहाँ पे एक आईपीएल देखने को मिलेगा। और मैं मानता हूँ कि उससे मैं, मेरे हिसाब से एक गेम को बहुत ही बढ़ावा मिलेगा। भाई अंकित, बिल्कुल आपकी सही बात है, पंजाब में कोई भी प्लेयर हो गया, चाहे वो टीम जीते या हारे, वो अपनी लिस्ट बना के रखते हैं, जो अच्छा खेलते हैं उस प्लेयर को नेक्स्ट टूर्नामेंट में जरूर सम्मानित करते हैं। जैसे जस्सा हो गया, मर्दा हिट से वो हो गया, अंकित जैसे अपने भाई जाते हैं, रवि हो गए, इन सभी को वो सम्मानित करते हैं, क्योंकि इससे प्लेयरों के अंदर ये आता है कि हाँ भाई, प्लेयर इसलिए नहीं जाता कि उसका सम्मान होगा, नहीं, लेकिन प्लेयर है वो सम्मान करें दूसरे प्लेयरों के अंदर, इससे भावना बढ़ती है कि हम भी अच्छा खेलेंगे, उसका सम्मान हो रहा तो कल मेरा भी होगा, ये चीज़ इसमें देखने को मिलती है। रमेश भाई, रमन कुमार भाई जी, राजस्थान की टीम के बारे में बहुत ही, क्या बताएं, बहुत ही बेहतरीन टीम है वो। जैसे अब पहले दिनेश भाई आते, अपने जो है दिनेश भाई आते थे, उससे पहले संजय भाई आते थे, अब जैसे दिनेश और कमल का सेट आता है, बहुत ही बेहतरीन सेट है, ये नहीं कह सकते कि ये किसी टीम से कम है, ये जो भी टीम, जितनी भी अपने इंडिया के अंदर आज के टाइम में टीम है, सभी को टक्कर देने वाली टीम है। और इनका गेम जो है, इनके अंदर जो पेशेंस है बहुत ही बेहतरीन है, और जो इनके अंदर जो अनुशासन है वो तो क्या कहना, किसी से कुछ वो नहीं, ना ही किसी के साथ लड़ना झगड़ना, जैसे कई टीमों में देखा गया कि एक दूसरे को गाली देने शुरू कर देते हैं, लड़ना शुरू कर देते हैं, इस मामले में राजस्थान की टीम जो, फिर टीम जो अवार्ड जाता है उसके लिए मैं कहता हूँ कि राजस्थान की टीम बहुत ही बेस्ट है। भाई इसीलिए कह रहे हैं रमेश शर्मा जी आपको, जैसे आप अपने वहाँ टूर्नामेंट करवाते हो एक या दो, आपको चाहिए कि फेडरेशन से बात करो कि हम दो टूर्नामेंट करवाएं, फेडरेशन तहत करवाएंगे। जैसे इधर विपिन भाई, जैसे चहल साहब के यहाँ टूर्नामेंट होता है रोहतक में, संदीप हुड्डा जी करवाते हैं, उनसे बात करें कि हम फेडरेशन के तहत टूर्नामेंट करवाएंगे। 10 मतलब हमारे जो जितने भी साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने में अगर हम 12 टूर्नामेंट भी फेडरेशन के तहत करवाएंगे, अच्छे टूर्नामेंट करवाएंगे, ये नहीं चाहते कि हम प्राइज ज़्यादा हो, लेकिन हर टीम के लिए कुछ ना कुछ हो, स्टार्टिंग से लेके फर्स्ट राउंड के बाद, सेकंड राउंड से लेके लास्ट तक, फाइनल तक, सभी टीमों को कुछ ना कुछ, उनको मोटिवेट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ प्राइज रखना चाहिए। और सभी खिलाड़ियों को मैं चाहता हूँ कि फेडरेशन के अंदर जो टूर्नामेंट होगा, चाहे वो छोटा भी हो, जो, क्योंकि उसमें सिलेक्टेड टीमें आएंगी, सभी टीमों के सभी प्लेयर्स को सम्मानित किया जाना चाहिए, और सभी टीमों को आगे बढ़ाने के लिए उस टूर्नामेंट को हमें लाइव फेसबुक पे लाइव भी चलाना चाहिए, और अगर हमारे अंदर, अगर हो सके हमारी फेडरेशन के अंदर, तो सभी टूर्नामेंट में अगर आप एक रूल बनाना चाहते हैं, जैसे पंजाब में सबसे बड़ी बात यह है सक्सेस होने की, जो टूर्नामेंट होते हैं उसमें एक चीज़ को, एक टीम को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है, या कि एक उसको ये दे दिया जाता है कि जैसे यहाँ से मोटा भाई लाइव चलाते हैं, इसको ही कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाए कि आपके पास ही नेट होंगे, आप अपने पोल लेके आएंगे, आपको 4 ग्राउंड बनाने के लिए जगह मिलेगी, आपकी ही लाइट होगी, मतलब एक चीज़ खिलाड़ी, किसी भी एक दो तीन आदमियों को ये चीज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि जहाँ भी टूर्नामेंट होगा, हरियाणा में, दिल्ली, यूपी, राजस्थान में, राजस्थान में एक अलग से बन जाए, ऐसे ही हरियाणा में बन जाए, यूपी में अलग बन जाए, और वहाँ पे तो वो जो, जैसे यहाँ पे बनाई गई है, मैं देखता हूँ पंजाब में, जो सबसे अच्छी बात है कि वो अपने आप ही लाइट लगाते, ग्राउंड बनाते हैं, नेट वॉली अपने आप कराते, वो उनसे अपना किराया लेते टूर्नामेंट का, 10,000 रुपये, 11,000 रुपये, या जितना भी जो उनका किराया होता है, इस तरह से वो किराया ले अपना टूर्नामेंट। जैसे हम नेट अपने 4 ग्राउंड बनाएंगे, 4 नेट लेके आएंगे, 10,000 रुपये के तो नेट ही हो जाते हैं आज के टाइम में, वॉली अलग रह गई,
ग्राउंड अलग, वो क्या कहते हैं उसकी लाइट क्या खर्चा अलग रह गया, तो 11-12 हज़ार जितने भी, 15 हज़ार भी अगर वो लेते हैं तो मैं मानता हूँ कि बहुत ही कम है हमारे लिए जो टूर्नामेंट करवाते हैं। इससे क्या है, एक तरह के ग्राउंड बनेंगे, एक तरह के रूल रेगुलेशन बनेंगे, एक ही तरह के वो जैसे पंजाब में है रूल रेगुलेशन है, नेट हो गए सब कुछ, ग्राउंड है, सेम चीज़ मिलेगी। ये नहीं मिलेगा कि कहीं बाद में ये बोलेंगे कि यहाँ पे हाइट का ऑब्जेक्शन रह गया, उन्होंने इतनी ज़्यादा हाइट कर दी, उन्होंने कम कर दी। जो फेडरेशन ने रूल तहत जो बनाए हैं उसके तहत ही हाइट तय होगी, उसके तहत ही ग्राउंड बनेंगे। ये चीज़ किसी ना किसी प्लेयर को या किसी ना किसी भाई को उठानी पड़ेगी, क्योंकि उसमें ये नहीं है कि उस भाई का नुकसान है, उस भाई को भी उससे बेनिफिट मिलेगा, वो उसकी भी कुछ अपना जो इनकम है जो अपना इस तरह के कार्य शुरू कर सकता है। मैं चाहता हूँ कि ये कार्य शुरू करना हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। राजस्थान में जो टूर्नामेंट होते हैं वहाँ पे एक भाई ने अपना लाइट का व्यवस्था कर लिए, एक भाई ने नेट वो लिए अपने जो इकट्ठे कर लिए, क्योंकि एक टूर्नामेंट में जो नेट, जैसे मैंने टूर्नामेंट करवाया, मैं सभी का क्यों कहता हूँ, हम में से कोई भी टूर्नामेंट करवाता है भाई, उसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है, टूर्नामेंट करवाते हैं सबसे पहले तो उसके मन में आता है भाई 4 नेट लेके आने पड़ेंगे, उसके बाद हमारी गांव की टीम तो एक नेट पे ही खेलेगी, हमारे शहर की टीम तो एक नेट पे ही खेलेगी, 3 नेट टूर्नामेंट खत्म होने के बाद वो खराब ही रहते हैं। तो इसका बेनिफिट ये है कि जो भाई वो नेट लेके आएगा उसके नेट हर टूर्नामेंट में लगेंगे, चाहे वो 4 टूर्नामेंट चले या 5 में चले या 6 में चले टूर्नामेंट में, वो नेट का खर्चा जो है हमारा ही बचेगा, उस भाई का जो नेट लेके आया उसके भी जो हम किराया देंगे उससे उसका भी थोड़ा बहुत जो अपना एक्स्ट्रा जो वो हो जाएगा स्टार्ट हो जाएगा, उसमें उसका भी नुकसान नहीं और हमारा भी नुकसान नहीं है, क्योंकि हम 3-4 नेट ला के डालते हैं वो ख़राब होने ही हैं। और सभी को ग्राउंड जैसे है पोल, उनके पोल पे अपने जो है मार्क होते हैं, अपने वो होते हैं कि इतनी हाइट पे बनना है, इतना वो करना, वो चीज़ देखने लायक होता है। मैं चाहता हूँ कि इस तरह से हमें कुछ ना कुछ से अपने कदम उठाने चाहिए, और फेडरेशन से भी मैं अपील करता हूँ, जो हमारी डायरेक्ट वॉलीबॉल फेडरेशन बनी है, विपिन भाई से भी, जो अपने विजेंद्र भाई हैं इनसे भी, जो भी अपने सीनियर भाई हैं इनसे अपील करते हैं कि भाई ये चीज़ आप जितने भी टूर्नामेंट होते हैं टूर्नामेंट वाले को बोलो कि फेडरेशन के तहत करवाओ, हम आपको नेट बॉल सब कुछ ये प्रोवाइड करेंगे, हम आपको लाइट प्रोवाइड करेंगे। ये चीज़ हमारी फेडरेशन को उठानी पड़ेगी, तभी जाके हमारे इस गेम को बढ़ावा मिलेगा। और मैं फेडरेशन से चाहता हूँ कि वो टूर्नामेंट करवाने वाला को बोलो कि उनके ऊपर खर्चा भी ना पड़ेगा, कि जो भी आप ट्रॉफी मंगा रहे हो जो कुछ भी ला रहे हो हम इकट्ठी ला के रखते हैं, हम आपके लिए ट्रॉफी लेके आएंगे, आपको कितनी चाहिए जो भी वो इकट्ठी में जो होलसेल रेट पे पड़ेगी उनका पैसा आप उनसे आप ले सकते टूर्नामेंट वाले से। अब हम 2 ट्रॉफी लेने जाते हैं तो ट्रॉफी होलसेल में पड़ेगी वो 100 रुपये की, उसमें पड़ेगी 500 रुपये की, इसीलिए हम कहते हैं। भाई विपिन और जितने अपने बड़े भाई विजेंद्र भाई हैं, मैं अभी सभी भाइयों से ये आपने आपसे वो कहता हूँ कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने मेरी इन बातों को जो भी मैं इस पेज पे लाइव आया आपने सुना, और हमसे जो जो भी मैंने अगर कुछ गलत बात कही हो उसके लिए सॉरी चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इस गेम को आगे बढ़ाने के लिए आप प्रयास करें, हम भी प्रयास करेंगे। और आज के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने मेरा लाइव आके आप मेरा जो प्रोग्राम आपने देखा और आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपका, थैंक यू भाई।